हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बबीता। आपका स्वागत है मेरे इस प्रोफेशनल किचन में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एकदम ढाबा स्टाइल पंजाबी तड़का बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। इसे आप तंदूरी रोटी या रुमाली रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना भी बहुत इजी है। इसके लिए दोस्तों मैंने 200 ग्राम तड़का वाला दाल ले लिया है। लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर दोनों मिक्स हैं। कसूरी मेथी, एवरेस्ट का तड़का मसाला, फ्रेश धनिया पत्ती ले लिया है मैंने, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन, नमक स्वाद अनुसार। दाल को मैंने अच्छी तरीका से धो लिया है दोस्तों। अब हम लोग इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे दोस्तों। अब हम लोग इसमें कुकर का ढक्कन बंद करके इसे गैस पे बैठा के 2 सीटी लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, कुकर हमारा अब ठंडा हो चुका है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। देखिए ये दाल हमारा एकदम थोड़ा सा टाइट है। हम लोग जब मसाला डालेंगे फिर से 1 सीटी लगाएंगे, तब से हम लोग गैस पे कढ़ाई को मैंने हाई फ्लेम पे बैठा दिया है दोस्तों। अब हम लोग इसमें घी डालेंगे। आप घी या रिफाइंड किसी चीज़ में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। इसमें हम लोग जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे। हींग से इसमें फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आएगा दोस्तों। अब हम लोग इसमें हरा मिर्चा, अदरक, कद्दूकस किया हुआ लहसुन मिक्स कर देंगे। फिर इसमें प्याज डालेंगे, उसको भी मिक्स करके अच्छे तरीके से चला लेंगे। प्याज को हम लोग ब्राउन होने तक भूनेंगे दोस्तों। एकदम हमारा प्याज का कलर जब ब्राउन हो जाएगा तब हम लोग उसमें, देखिए हमारा ब्राउन हो चुका है प्याज। अब हम लोग इसमें टमाटर को ऐड कर लेंगे। टमाटर को भी अच्छी तरीके से भूनेंगे। अब हम लोग इसमें लाल मिर्चा, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नमक हम लोग दाल में भी डाल चुके हैं। 1 पिंच हल्दी पाउडर, एवरेस्ट का तड़का मसाला 1 चम्मच डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हम अपना मसाला चेक करेंगे दोस्तों। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया, एकदम पंजाबी स्टाइल। अब हम लोग इसमें अपना दाल ऐड कर देंगे। अब हम लोग इसमें मसाला को ऐड कर लेंगे दोस्तों। कुकर भी हमारा ठंडा हो चुका है। मसाला को ऐड करके हम लोग अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ऐसे बनाने से इसका स्वाद और भी अमेजिंग आएगा दोस्तों। ये पंजाबी स्टाइल तड़का आप लोग घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये कैसा लगा खाने में। मुझे भी तो पता चले आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। इसे ढक्कन लगा के हम लोग 1 सीटी लगा लेंगे। 1 सीटी लग चुका है दोस्तों, हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है। अब हम लोग अपना तड़का चेक करेंगे दोस्तों। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है दोस्तों। इसे हम लोग चम्मच से चला के देख रहे हैं। देखिए इसमें एकदम थोड़ा थोड़ा पानी है। जैसे जैसे तड़का हमारा ठंडा होगा वैसे वैसे इसका पानी सूख जाएगा। इसमें हम लोग धनिया पत्ता, हरा मिर्चा और गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला एकदम लास्ट में ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट और भी अमेजिंग आएगा। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके हम लोग प्लेटिंग करेंगे दोस्तों। ये मिक्स हो चुका है। देखिए दोस्तों, हमारा पंजाबी स्टाइल तड़का बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे सर्व करते टाइम आप ऊपर से नींबू का रस या एक्स्ट्रा घी या बटर डाल के सर्व करें। तो ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।